के साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आगरा में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिसे आनन फानन में परिजनों ने गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सीएससी बाहा में भर्ती कराया, जहां पर नाबालिग की गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टरों ने नाबालिग को हायर सेंटर आगरा के लिए रेफर कर दिया है, जहाँ युवक का इलाज चल रहा है। मामले में अभी तक नाबालिग के खुदकुशी करने के कारण का नहीं पता चल पाया है। थाना कस्बा बाहा क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के बांदा टंडा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोग गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, पर कार सवार युवकों ने गाड़ी में डीजल डलवाया और जब पेट्रोल कर्मी ने वहां डीजल डलवाने के बाद पैसे मांगे तो गाड़ी सवार युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मी को असला दिखाकर वहां से वो फरार हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के सामने स्थित पेट्रोल पंप का पूरा मामला बताया जा रहा है। अच्छा, इसको फुल करने के बाद जैसे मैं उससे पैसा लेने जा रहा था, उसने हमको एक सलाह दिखाया तो जैसे तुम्हारे में पीछे हट गया, ये जब तक बताता तब तक बंद। इसकी सूचना आपने किसी को दी? इसकी सूचना मैंने सबसे पहले भैया को दिया था, वो भी पाँच बजे पहले निकले थे हम। अच्छा, हाँ तो किसी काम से फोन नहीं उठा पाए तीन चार बार। जब इनसे बात हुई तब तक आए थे, तो 100 नंबर आ गई। 100 नंबर क्या करके गई? नोएडा थाना ठावन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुबह के समय कंपनी में ड्यूटी करने जाने वाली महिलाओं और घर घर जाकर महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर उनके जेवरात दुगने करने के नाम पर ठगी करके फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लाखों रुपए की सोने और चांदी के जेवरात और करीब 13,000 की नकदी भी बरामद की है। बता दें पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में एनसीआर में ऐसी सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया गया है और अब तक इनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया था। टाउन क्षेत्र में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, उसमें जो फैक्ट्री में काम करने के लिए तीन महिलाएं जा रही थी, उन लोगों को बातों में फंसा कर उन लोगों को जो कान की जो बाली है और कुंडल है और ये पायल वगैरह ये सब उतरवा दिया था और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था। इस तरह का घटना एक और घटना हुई थी सेक्टर 58 में ही, तो हम लोग इसको घटना में तुरंत पंजीकृत कर इसमें अलग अलग टीम बनाई गई थी। इसमें अभी कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा जो दो लोग जो खरीदते थे इन लोगों से सुनार लोग, वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में 1 साल से फरार और 1 लाख इनामी आईपीएस को पुलिस और एसटीएफ अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को जान का खतरा बना हुआ है और उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी भी दी जा रही है। बता दें कि बीते साल सितंबर में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को मुख्य आरोपी बनाया गया था और तभी से आरोपी एसपी फरार चल रहा है। वहीं मृतक व्यापारी के भाई विजय त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया की ओर से पर इस केस की पैरवी से हट जाने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं 1 साल से ज्यादा का समय हो जाने पर भी पुलिस आरोपी एसपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते पीड़ित परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। मेरे भाई की हत्या हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक मणिलाल पाटीदार आईपीएस भगोड़ा पुलिस की पकड़ से दूर है। हमें और हमारे परिवार को इस समय बहुत बड़ा जान माल का खतरा है। हम पुलिस से कहते हैं, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, अतः हम चाहते हैं उसे योगी जी
अपने कुशल नेतृत्व में पकड़वाने का निर्देश जारी करें, जिससे हमारा भय खत्म हो सके। और मुझे जुलाई में फेसबुक के माध्यम से धमकी भी दी जा रही है। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जिस सरकार पर हम इतना भरोसा करते हैं, उन्हें हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं है। एक साल हो गया है मणिलाल पाटीदार फरार चल रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है, हत्या की पूरी आशंका है हमें। इसीलिए मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए मणिलाल पाटीदार को। मेरे चाचा भी योगी सरकार से चिल्ला चिल्ला के चले गए, उन्होंने पत्र लिखा, वीडियो बनाया कि मुझे मणिलाल पाटीदार से बचा लीजिए, मुझे उनसे जान का खतरा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना और चाचा आज हमारे बीच में नहीं है। कानपुर का प्राचीनतम पनकी हनुमान मंदिर आए दिन अखाड़े में तब्दील होता रहता है। इस मंदिर के महंत की गद्दी पर काबिज होने के लिए दो महंत अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महंतों के चेले भी अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो मंदिर से सामने आया है, जिसे मंदिर में मौजूद किसी घायल व्यक्ति ने खुद बनाकर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, बीते दिनों भी मंदिर में दो महंतों के शिष्यों में आपस में ही मारपीट हो गई थी। हमारे भाई साहब यहाँ पनकी मंदिर के पास रमाकांत मिश्रा रहते हैं, जो बहुत बड़े बाहुबली हैं। इन्होंने मुझे मंदिर गर्भगृह में बुला के प्यार से, और मुझे गेट पे ही नंबर पश्चिम गेट पे नंबर गेट दो गेट पे बहुत बुरी तरह से हमारे भाई को मारा है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये रमाकांत मिश्रा। एटा में एक साधु की गला रेत कर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां साधु मंदिर की छत पर सो रहा था, तभी आरोपी ने साधु की गला रेत कर हत्या कर दी। मामले में सूचना मिलते ही एसएसपी उदय शंकर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला जगरूप के मंदिर का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला जगरूप में एक 52 वर्षीय पुजारी मंदिर पर एक माह से रह रहे थे। रात्रि लगभग 12 बजे मंदिर के पास के ही रहने वाले एक 45 वर्षीय युवक के द्वारा कुल्हाड़ी से उनकी हत्या करना बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किए गए काला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। प्रारंभिक छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि रात्रि में उक्त आरोपी बाबा जी के साथ बैठकर खाना पीना खाया है, तदुपरांत इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ है, परिणाम स्वरूप यह घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। पुलिस घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा का पूरा मामला है, जहां पर साधु की गला रेत कर हत्या कर दी गई और मंदिर की छत पर सो रहे साधु की हत्या की गई है, जिसके बाद मौके पर जब ग्रामीण पहुंचे, ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट गई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में पुलिस ने एक फर्जी विकास खंड अधिकारी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किया गया आरोपी विकास खंड अधिकारी बनकर लोगों से लाखों की ठगी किया करता था। पुलिस को जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें कि आरोपी युवक को लोगों ने शक होने पर पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जरिया का थाना क्षेत्र के गोहान का पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर फर्जी विकास खंड अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले में निलंबित और फरार चल रहे पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि गोरखपुर से थाना रामगढ़ ताल में तैनात सभी 6 पुलिसकर्मियों मनीष गुप्ता की मौत के मामले में आरोपी हैं, जो मनीष की मौत के बाद से फरार चल रहा है, जिन पर अब 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और ये इनाम DCP साउथ कानपुर रवीना त्यागी द्वारा घोषित किया गया है। सत्ताईस जुलाई को हरियाणा के रोहतक के भलौट गांव निवासी युवक रोहित की हत्या के मामले में UP STF और थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने शातिर सीरियल किलर नवीन जाट को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि रोहित का शव ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के एक नाले में मिला था और आरोपी नवीन जाट ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वो अब तक 17 से ज्यादा हत्याएं कर चुका है और गदा नाम से एक गैंग भी चलाता है। आरोपी नवीन ने बताया है कि वो अपने दुश्मनों को पानी में डुबो कर मारता है। वहीं मामले में STF ने बताया कि आरोपी का स्टाइल अन्य अपराधियों से बिल्कुल अलग है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर सीरियल किलर नवीन जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने बताया है कि अब तक वो 17 से ज़्यादा हत्याएं कर चुका है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और ऐसे में वो अपने जो दुश्मन हैं उनको पानी में डुबोकर उनको मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और नवीन को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। इस मामले में STF ने बताया है कि आरोपी का स्टाइल सभी अपराधियों से अलग है। दरअसल आरोपी अलग तरह से जो है लोगों को मौत के घाट उतारता था और अब तक आरोपी ने खुद इस बात को कबूला है कि उसने अब तक 17 से ज़्यादा हत्याएँ की हैं और इस तरह की घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, जिस तरह से पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिली है इससे? देखिए, इसका नाम नवीन जाट है और ये 17 से ज्यादा जो हत्या है उनकी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। दरअसल सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जिसको भी मारता था उसको ये पानी में डुबाकर मारता था और इसको जितनी भी कानून की धाराएं हैं तो उनका काफी ज्ञान था। इसी वजह से यह किसी की हत्या करता था तो पानी में डुबाकर करता था और ऐसी जगह पर मारता था जहां से बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि बॉडी अगर रिकवर नहीं होगी तो उसमें धारा दूसरी लगेगी। इन चीजों को ध्यान में रखता था और इसने पूछताछ में बताया कि इसके दोस्त की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, उसी की वजह से यह है क्राइम जो की दुनिया है उसमें आया था और उसके बाद इसने लगातार हत्याओं को अंजाम दिया। अब तक कुल मिलाकर ये 17 से 20 ऐसी घटनाएं हैं जिनको ये अंजाम दे चुका है। किसी को जहर देके किसी की हत्या कर चुका है तो ज्यादातर की हत्या इसने पानी में डुबा सकती है। फिलहाल STF और जो नॉलेज पार्क थाना पुलिस है उसने मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी इसके बाकी जो इसके ग्रुप के जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और इसका जो गिरोह है बताया जा रहा है कि 400 लोगों का गिरोह है जो हरियाणा और मुजफ्फरनगर की तरफ सक्रिय था और ये एक गदर नाम से जो एक गिरोह है उसको चलाता था। बिल्कुल भूपेश, और जितने लोगों को जिस तरह से इसने खुद बताया कि अभी तक ये 17 हत्याएं कर चुका है, 17 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, तो क्या उनका इससे कोई विवाद था? हाँ बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि जहां का ये रहने वाला हरियाणा का वहीं पर दो गिरोह यानी कि आपस में दो गिरोहों में रंजिश चली थी, उसी को लेकर ज्यादातर इसने हत्याएं की है और वो लोग दूसरे गिरोह में शामिल थे उसी गिरोह से इनकी हत्याएं की गई है और जिसने इसके दोस्त की हत्या की थी उन लोगों को ज्यादातर इसने मारा है। इसके बाद इसने तेहरी हत्याकांड को उत्तर प्रदेश में भी आकर अंजाम दिया था, तो ज्यादातर जो हत्याएं इसके द्वारा की गई हैं वो इसी तरह की हत्या हैं जो दूसरे गिरोह के हैं। चलिए ठीक है भूपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, पुलिस ने सीरियल किलर को नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें कि अब तक ये 17 से ज़्यादा हत्याएं कर चुका है और इस बात का खुलासा पुलिस की गिरफ्त में आते ही नवीन ने खुद किया है।
आगरा के पिनाहट ब्लॉक में संदिग्ध बुखार लगातार कहर बरपा रहा है, जहां इलाज के दौरान दो बच्चों सहित एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बता दें कि क्षेत्र में संदिग्ध बुखार का कहर लगातार जारी है, जहां उल्टी दस्त के साथ अचानक बच्चों की मौत हो रही है। ताजे मामले में परिजन अचानक बुखार आने पर निजी डॉक्टरों से बच्चों का इलाज करा रहे थे, जबकि मृतक युवक का पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में इलाज चल रहा था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में अब तक बुखार से 27 बच्चों सहित 2 युवकों की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रही है, पर अधिकारियों के आदेश के बाद भी ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव गांवों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के चंडीगढ़ शाला और रिठई दलईपुर का पूरा मामला है। श्रावस्ती में राप्ती नदी के आगोश में आने से सैकड़ों बीघा जमीन फसल सहित राप्ती नदी में समाहित हो गई है। पूरा मामला विकासखंड हरिहरपुर रानी के इंडो नेपाल सीमा के पास बसे ग्राम पंचायत ककर दरी का है, जहां पर राप्ती नदी बीते कई महीनों से ही कटान करती नजर आ रही है और इसी के चलते यहां लगभग 50 साल से लोग सेमर का पेड़ भी काट कर राप्ती नदी में समाहित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर कटान की खबरें कई बार छपती हैं, पर फिर भी कोई भी आला अधिकारी देखने वहां पर नहीं पहुंचता, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं अगर नदी इसी रफ्तार से कटान करती रही और शासन की तरफ से जल्द ही कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो गांव का नामोनिशान मिट सकता है। तो श्रावस्ती का यह पूरा मामला है, जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से राप्ती नदी का जो जल है वो रफ्तार और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इससे सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है वो नदी में ही समाहित हो गई है। इंडो नेपाल सीमा के पास लगातार कटान जारी है और ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि आला अधिकारियों को कई बार इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है और यहाँ की कई बार खबरें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। और अगर इसी तरह से कटान जारी रहा और प्रशासन इसी तरह से कोई ध्यान नहीं देगा तो वहाँ पर जो आस पास के गाँव बसे हैं वो पूरी तरह से नामोनिशान उन सभी गाँवों का मिट जाएगा। यहाँ बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर किनारे, तो यहाँ ना कोई व्यवस्था है, ना लाइट, ना बिजली, ना कोई चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ नदी भी बहुत ज़मीन से कट रही है, तेज़ी से कट रही है। तो हमारे यहाँ आज तक कोई शासन प्रशासन नहीं है। 15 दिन से लगभग खेत का कटाई हो रहा है, मतलब यहाँ बहुत से ज़मीन कट गए। हम जितने जनता खड़े हैं सब लोग का ज़मीन कट गया है, तो लगभग 500 बीघा ज़मीन कट गया है। तो आज तक यहाँ ना कोई शासन ना प्रशासन कोई देखने नहीं आया है और दिन प्रतिदिन प्रतिदिन कटता है, सैकड़ों बीघा प्रतिदिन कटता है, मतलब प्रतिदिन आज 15 दिन से लगभग कटान चालू है, यहाँ कटाई हो रहा है। कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया देखने? कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आया है, आज तक नहीं आया है और यहाँ सब धान कट रहा है। ये देखिए सामने मथुरा के गांव बानागढ़ी में प्राइमरी स्कूल सालों से भगवान के भरोसे चल रहा है। ग्राम वासियों के अनुसार बताया गया है कि स्कूल के अध्यापक समय से नहीं वहां पर पहुंचते हैं तो इसीलिए बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसको देखते हुए लोग जो हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसको देखते हुए सर्वेश चौधरी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ऐसे में सर्वेश ने बताया कि आमरण अनशन जब तक किया जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। सर्वेश ने बताया कि प्राइमरी स्कूल के बाहर ही फर्श बिछा कर वो अनशन कर रहे हैं और आमरण अनशन का समर्थन करने के लिए किसान यूनियन के नेता इंद्रपाल सिंह, राहुल वीरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, बाल किशन शर्मा और श्याम शर्मा भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। तो ऐसे में मथुरा में सालों से प्राइमरी स्कूल जो है वो भगवान भरोसे है। इस स्कूल में ना तो अध्यापक समय पर पहुंचते हैं और इसी वजह से बच्चों पर ना तो ध्यान दिया जाता है ना ही बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। इसीलिए वहां पर ये स्कूल जो है वो सालों से भगवान भरोसे है। ऐसे में अब सर्वेश वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और ना तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान जाता है। ताला स्कूल में तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से स्कूल में ताला लगा हुआ है। बच्चों की शिक्षा जो
है पूरी तरह से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे में ये आमरण अनशन सर्वेश की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। पुष्पेंद्र सर के ऊपर वो नहीं आते हैं, उनकी लगातार अनुपस्थिति चल रही है सर। कितने दिन हो गए जो वो नहीं आते? अब लगातार 24/9/2021 से लगातार अनुपस्थित चल रही है। कितने इसमें जो है वो स्टाफ है आपका? अध्यापक इसमें तीन अध्यापक, एक सच्चा मित्र, दो सच्चा मित्र हैं, एक तो मेडिकल अपने सच्चा मित्र, और ये पुष्पेंद्र अनुपस्थित चल रहे हैं और स्टाफ उपस्थित है। करने जा रहा हूँ, आज से मैं बैठ गया हूँ सुबह 11 बजे से। किस मांग को लेकर? मांग ये है, एक देश में एक शिक्षा नीति चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा गरीबी रहे सदा, मजदूर का बच्चा मजदूरी रहे, किसान का बच्चा किसान ही रहे, और हाई क्लास हाई सोसाइटी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। गाजियाबाद में संपत्ति के लालच में सगे भाइयों ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, सगे भाइयों ने अपने सगे भाई पर लगातार चाकू से वार किया, जिसके बाद 32 साल के अंजेब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अंजेब की मौत हो गई है। अंजेब की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के सुदामापुरी में मोहम्मद एहसान जाने आलम और अंजेब रहते हैं, और जाने आलम और अंजेब एक ही घर में रहते थे। मोहम्मद एहसान दोनों के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। ऐसे में शुक्रवार को जाने आलम और अंजेब के बीच कहासुनी हुई, जिससे कुछ देर बाद खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जाने आलम और मोहम्मद एहसान ने अंजेब पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंजेब को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में अंजेब के उपचार के दौरान मौत हो गई। आज तो नहीं, ये लगभग डेढ़ दो महीने से लगभग चल रहा मामला। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, बस पुलिस वाले को पता नहीं उन्होंने पैसे भरे, पता नहीं क्या करा, पुलिस वाले कुछ नहीं करके दे रहे। पर हमारे चाचा को डेली जाते थाने में, कुछ नहीं करके दे रहे। क्या नाम था चाचा का तुम्हारा? जी, दो जिन्होंने मारा उनका नाम तो एहसान है और एक का नाम जाने आलम है। अच्छा, तो जिनका इंतकाल हुआ और इनका नाम औरंगजेब है। मामला क्या था, क्या लड़ाई जगह के थी? इनके मकान पर कब्जा कर रखा था उन दोनों ने। कहाँ पर है मकान? ये है लाल क्वार्टर खराती नगर में। आज दिनांक 8/10/21 को थाना विजयनगर के चौकी बाईपास क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को घरेलू विवाद को लेकर चाकुओं से बार कर घायल कर दिया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर MMG अस्पताल भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है। तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।